आसान तरीके से बनाएं गुलाब का फूल। और देखें आप, ये इसका स्टेंसिल है और इसको इस टाइप से एक कर दीजिए इसको खाका। साइड ये हो गया और इसका बैक साइड ले लीजिए, तभी लुक भी अच्छा आता है इसका, ताकि पीछे से भी भरा भरा लगे। वो बनाने में ज़्यादा वो भी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप बना सकते हैं आराम से। जैसे ये कागज है, ये कटिंग किया हुआ कागज पहले से, तो हमने इसको थोड़ा सा इसको मोड़ लेना है। अभी इस प्लेन है ना, तो उतना अच्छा फील नहीं आएगा इसको, इसको लुक देने के लिए कोई चीज, लकड़ी है, लोहा है, कोई कील है, तो आप इसको ऐसे को दबा लीजिए अच्छी तरह से, ताकि इसमें सलबट आ जाएगी। और ये अच्छा लगेगा, ये है, आप देखिए, इसको हम पूरा घुमा दिया, हमने लपेट दिया कील में, और हमने क्या करा, इसको जोर से दबा दिया, इसको पिचका दिया, पुश कर दिया, तो ये इस टाइप से इसमें रेसी आ गई है। और ऐसे ये है, बिल्कुल कागज लग रहा है, प्लेन लग रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको इसको लेना है सीख में, थोड़ा दबा देना है कोई भी चीज़, आप इसको पूरा घुमा लीजिए, ये घूम गया, और हम इसको जोर से दबा देंगे इसको, ताकि ये कागज को लाइनिंग पड़ जाए, और इसको खोल देंगे तो इसमें अच्छा लुक आ जाएगा, मुड़ा हुआ इस ऐसी साइड से। इसको जोर से दबा देंगे, अब इसको खोल देंगे, अब देखिए आप कितना अच्छा फील आ रहा है। फिर ऐसे हम इसको इसके बैक साइड में यहाँ
गोंद लगा के इसको हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे जो हमने बना रखा था पहले, इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि भरा भरा लगे। इसके लिए ऐड कर देंगे और फिर इसके बैक साइड में हम थोड़ा सा लई लगाएंगे या गोंद जो भी आपके पास है इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए और इसको फिर पीछे ये बैक साइड में इसको जोड़ दीजिए तो डबल हो जाएगा गुलाब। तो ये भरा हुआ बस ये करना है आपका गुलाब तैयार रेडी हो जाएगा। और ये अभी हम आपको दिखाते हैं इसके जो पत्ते हैं टहनियाँ हैं उसमें लगा के तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो लाइक भी करना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना। ठीक है हम दिखाते हैं इसके पत्ते कुछ कटे हैं मैंने काट रखे हैं कुछ और दिखाता हूँ कैसे कटेंगे। ये इसके पत्ते हैं काटने का आपको ये मेरे पास कागज़ है प्लेन कागज़ को उसको पहले मैं इसको पहले साइड कर देता हूँ। प्लेन कागज को आप इसमें इसको निकाल देंगे हम फालतू वाला बना के जितना चाहिए हमको उतने ही रखेंगे हम और कागज को आप जितना बड़ा पत्ता होता है उस हिसाब से गुलाब का फोल्ड करते जाइए और इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए अच्छे तरह से गुलाब को जब आप टहनी में लगाएंगे और इसका बता दूंगा मैं आपको कैसे लगाना है बहुत ईजी है और जो झाड़ू का सीख होता है ना हर घर में मिल जाता है ये ईजी तो उसमें आपको इसको आप एक फोल्ड दे दीजिए अच्छी तरह ये हमने फोल्ड कर लिया और हम इसको काटेंगे ऊपर से लेके सर्किल में से ताकि ये गोल डिजाइन आ जाए फिर इसको नीचे से कम कर देंगे और हल्का सा इसको हम यहाँ से काट देंगे और हमने जैसे पत्ते में हल्के से कटे हुए रहते हैं लाइनिंग होती है तो हम इसमें देखेंगे इसमें गुलाब के क्योंकि पत्तों में थोड़ा सा कटिंग जैसी रहती है हल्के से पत्तों की तो हम इसको निकाल देंगे इसमें थोड़ा सा। अब हम खोल के दिखाते हैं आपको पत्ता कैसा बना है। ये हो गया हमारा गुलाब का पत्ता तैयार आप देख सकते हैं ये डिजाइन आ गया कटिंग बिल्कुल बराबर ये देखिए आप पत्तों का डिजाइन ये हो गया और ये पहले से मैंने काट के रखे थे इसको भी दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना है ये भी बता देता हूँ बहुत ईजी है और जब तक ये पत्ते नहीं लगेंगे तब तक इसमें लुक भी नहीं आएगा। ये इसके पत्ते हैं पत्ते लग जाएंगे तो फिर गुलाब आपका बहुत अच्छा लगेगा सुंदर। इसको खोल के रख देते हैं ऐसे इसको भी और आगे बताता हूँ मैं क्या करना है। ये पत्ते हो गए आपके डिजाइन ये हो गया आपके पत्ते और लगाना है कैसे है आपने ये है आपका झाड़ू की सीख है। पहले मैंने इसमें कुछ पत्ते ये कटिंग करके झालर जैसे बना दिया था इसको चिपका दिया ताकि ये जैसे हम गुलाब लगाएंगे तो इसमें इजीली इसमें लग जाएगा तो ये हिलेगा नहीं टंगे रहेगा तो मैं अब बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। चलो एक ये उठा लेते हैं
एक पत्ता हम कोई सा भी उठा लेते हैं, चलो इसी को उठा लेते हैं और हम इसमें लगा देंगे उसके साइड में लहसुन जो हमारे पास गोंद है इसमें हम लगा देंगे लहसुन। ये लग गया हमारा ये लग गया भाई। तो ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ठीक है अच्छे से लगा लीजिए। और ये सीक है झाड़ू का, बहुत इजी मिल जाता है हर घर में, हर घर में होता है ये झाड़ू। सीख ले लीजिए आप, जो पुराने टूटे हुए होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम हल्का हल्का घुमाते रहेंगे राउंड राउंड। और हम इसको हम जो हमने पत्ता बनाया था, ये गुलाब के पत्ते बनाए थे, इसको हम ऐसे लपेट लेंगे ताकि इसको साइड कर सकें। इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा इसमें दबा दीजिए हल्का सा, तभी ये चिपकेगा। ऊपर जो हमने बना रखे हैं इसमें आप थोड़ा सा घुमा लीजिए इसको अच्छे से ताकि चिपक जाए अच्छे से, क्योंकि तो सीख भी पतली होगी। और धीरे धीरे आप इसको लपेटते चाहिए, लपेटते रहेंगे आप तो पत्ता अपना आकार लेते रहेगा। पत्ते को तो हम इधर उधर घुमा सकते हैं, खैर एक साइड को हो गया था, कोई बात नहीं चलेगा अभी। आप देखते रहिए साइड का, कुछ पत्तों की जैसे दिशा इसकी अगर अलग है तो उसको थोड़ा सा ऐसे दबा लीजिए हल्का सा घुमा के। और ये पत्ते इसमें हमने ये बनाया था,